Hello. ये बताओ आपका फ्यूचर प्लान क्या है? गाड़ी लेना है, घर लेना है, पत्नी खूबसूरत हो, ये सब सोचो। दिल में कुछ तमन्ना है ना? होगी, जरूर होगी। तुमने अपने दिल में छुपा के रखी होगी। और मेरे दिल की तमन्ना है तुमसे शादी करने की। तुम्हारे जैसा खूबसूरत लड़का हो, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की और दो बच्चे। हफ्ते में 5 दिन हैंडवर्क करना होगा, 1 दिन तुम मुझे दे देना। उस दिन हम दोनों थिएटर में फिल्म देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बीच पे जाएंगे। बाकी का 1 दिन तुम्हारे लिए, ओके? आपसे बात करता हूँ, इसका गलत मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। बाप रे, शुरू में ही कंफ्यूजन। हम दोनों तो जुड़ चुके हैं, आप गलत क्या समझना? तुम अभी जो मैंने कहा वही तो सोच रहे हो। बताओ ना, मैंने कुछ गलत कहा? मैं फील कर रही हूँ। प्यार करते हो ना? ऐ मेरे हम सफर, ये दिल की है डगर, चल मेरे साथ तू, बोले है ये रास्ता। ए मेरे हम सफर, ये दिल की है डगर, चल मेरे साथ तू, बोले है ये रास्ता। हम भी है तुम भी हो और है ये सफर, देखो जिधर मैं तू आए है नजर। ये दिल की है डगर, चल मेरे साथ तू, बोले है ये रास्ता। तेरे बिना जीना लगे जैसे कोई है सजा।
ये उस क्रिमिनल का आईडी कार्ड, उसने किसी और को निशाना लगाकर गोली चलाई। गोली मेरी गाड़ी पर, उसका चेहरा देखने की मैंने बहुत कोशिश की मगर देख नहीं सका। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक आदमी है। उसके दिमाग में, शरीर में, मन में आक्रोश भरा हुआ है। इस आई कार्ड से उसका नाम, पता, फोटो सब कुछ मिट चुका है। इस पे एसिड गिरा था इसलिए सब कुछ मिट गया। आप इससे अंदाजा लगाकर उसका स्केच बना दीजिए। इससे उस क्रिमिनल को पकड़ने में हमें आसानी हो जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, रेडी होने पर मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। मैं ढूंढ रहा हूं, जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा मैं। वो किधर है ये तो पता नहीं। मैं यहां हूं। हे, तू अभी तक जिंदा है क्या? तुम्हारा नहीं। अभी मेरा हिसाब किताब बाकी है। काम पूरा होने से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। हेलो भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। hey, मैं एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मुझे बाद में फोन करना। मैं ऐसे मर्डर के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। भैया, कल रात उस मर्डर के समय अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और वहाँ बिल्डिंग से मुझे एक चीख सुनाई दी थी। वो चीख बहुत डरावनी थी भैया। वो आवाज सुनकर मैं उस बिल्डिंग की तरफ चली गई तो एक आदमी वहाँ से बाहर निकल रहा था। वहाँ चलकर मुझे पता चल गया कि उस फ्लैट में मर्डर हुआ था। यही बात मैं आपको बताना चाहती थी भैया। ओके, अगर तुम उसे देखोगे तो पहचान सकती हो क्या? दूर से देखा था लेकिन मैं उसे जरूर पहचान सकती हूँ भैया। शहर के जितने भी नामी गुंडे हैं सबको लेकर आओ, किसी को छोड़ना नहीं। यस सर। ये बताओ, तुम्हारे शिवा के बारे में क्या ख्याल है? क्यों? वो उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहते थे मगर वो कुछ कहे बिना ही चले गए। तो फिर? वो बहुत टेंशन में थे, अचानक ही चले गए। वो क्यों आए थे, क्यों चले गए, कुछ पता नहीं चला। तुम कंफ्यूज मत हो और उससे अकेले में बात करो और उसे अपने दिल की बात बता दो तो तुम्हारा भी टेंशन दूर हो जाएगा। शिवा जी, कहिए। आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलेंगे? कहाँ? आपसे आपके बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? वहीं पर बता दूंगी। बोलिए भैया। तुमने कहा था ना कि तुम उस आदमी को पहचान लोगे। मैंने शहर के सारे गुंडों को पकड़ा है, तुम यहाँ आकर जल्द से जल्द उन्हें पहचान लो। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? भैया का फोन आया था इसीलिए हमें वहाँ चलना होगा, कुछ अर्जेंट बात होगी। आप भी चलिए ना। मैं यहीं ठीक हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, डरिए मत, मेरे भैया कुछ नहीं कहेंगे। पहचाना जाएगा, पहचाना जाएगा ना। पुलिस से आज तक कौन बच सका है, देखना अभी पकड़ा जाएगा। भैया। मधु, आओ 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 मधु। ये सारे क्रिमिनल्स हैं, इनमें से कोई है क्या? ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये? नहीं। ये है? नहीं। ये है? ये भी नहीं। ये है? इनमें से कोई नहीं है भैया। मधु, इस केस में मुजरिम को पहचानने वाली सिर्फ तुम हो, डरो मत। अच्छा, आओ 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 मेरे साथ। इस कंप्यूटर में सारे वांटेड क्रिमिनल्स के फोटोग्राफ्स हैं, ये देखकर तुम उन्हें पहचानो और बताओ